आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ थर्मल पेस्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि आपके कंप्यूटर में जो सीपीयू है उसके ऊपर लगा हुआ जो हीट सिंक है, इनके बीच में हम लगाते हैं थर्मल कंपाउंड या फिर थर्मल पेस्ट। तो ये थर्मल पेस्ट है क्या, इसको हमें क्यों अप्लाई करना पड़ता है एक प्रोसेसर और एक हीट सिंक के बीच में, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि थर्मल कंपाउंड या फिर कह लो थर्मल पेस्ट क्या है। थर्मल पेस्ट एक तरह का हीट कंडक्टिव मटेरियल है जिसको हम लगाते हैं हमारे माइक्रोप्रोसेसर और उसके ऊपर लगा हुआ जो हीट सिंक है इनके बीच में। अब यहाँ पे सवाल ये आ सकता है कि माइक्रोप्रोसेसर क्या है। माइक्रोप्रोसेसर यानी कि आपके कंप्यूटर में लगा हुआ जो सीपीयू है, जो जीपीयू है, जो चिपसेट है, यही है बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर। इतना आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। अब यहाँ पे सीपीयू, चिपसेट और जीपीयू के अलावा भी अलग अलग तरह के माइक्रोप्रोसेसर आते हैं, अलग अलग तरह के आईसीज आते हैं जो हीट होता है, जो वर्क करने के टाइम पे हीट होता है, इसके ऊपर हम नॉर्मली हीट सिंक अप्लाई करते हैं। जब हम हीट सिंक को किसी भी आईसी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इन दोनों के बीच में हम लगा देते हैं थोड़ा सा थर्मल कंपाउंड। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन यही है कि कोई भी सरफेस अगर आपको फ्लैट दिख रहा है खुली आंखों से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी वो फ्लैट ही है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप उस फ्लैट सरफेस को देखोगे तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे गड्ढे नज़र में आएंगे, छोटे छोटे होल्स रहेंगे, छोटे छोटे बम्प्स रहेंगे। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम यही होगा कि जो हीट है वो प्रॉपरली उस आईसी से उस हीट सिंक की तरफ नहीं जा पाएगा, या फिर कह लो प्रोसेसर से वो हीट प्रॉपरली उस हीट सिंक की तरफ नहीं जा पाएगा, तो प्रोसेसर प्रॉपरली ठंडा नहीं होगा। अगर हम प्रोसेसर के ऊपर थर्मल कंपाउंड को अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होता है कि ये जो बम्प्स है, ये छोटे छोटे होल्स है, ये कवर हो जाते हैं और एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस तैयार होता है, और फ्लैट सरफेस की वजह से हीट प्रॉपरली जो सीपीयू है उससे ट्रांसफर होता है हीट सिंक पे। अब हीट सिंक के ऊपर लगा हुआ रहता है एक फैन, ये जो फैन है ये उस हीट सिंक को ठंडा कर देता है, तो ओवरऑल जो सीपीयू है वो ठंडा हो जाता है। तो यही है मेन रीजन थर्मल कंपाउंड को अप्लाई करने के पीछे। सिर्फ सीपीयू ही नहीं, उसके साथ साथ मदरबोर्ड में लगा हुआ जो चिपसेट है उसके ऊपर भी थर्मल कंपाउंड अप्लाई किया जाता है। ये काम एक नॉर्मल यूजर नहीं करता है, ये काम करता है वही मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी जिसने उस मदरबोर्ड को बनाया है। उसके साथ साथ जीपीयू के ऊपर भी थर्मल कंपाउंड अप्लाई करना पड़ता है। एक यूजर को उस जीपीयू के ऊपर से जो थर्मल कंपाउंड है उसको साफ करने की या फिर उसमें नया लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, पर हाँ एक साल या फिर दो साल के बाद अगर आप इसको चेंज करोगे तो उस जीपीयू के लिए अच्छा ही होगा। सिर्फ जीपीयू ही नहीं, उसके साथ साथ जो सीपीयू है, सीपीयू के ऊपर लगा हुआ जो थर्मल कंपाउंड है उसको भी एक साल में या फिर दो साल में एक बार चेंज करना चाहिए, अदरवाइज जो सीपीयू है वो प्रॉपरली ठंडा नहीं रह पाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि क्या हमें जो ये कंपाउंड है इसको बदलना ही पड़ेगा, क्या ये ज़रूरी है। हाँ ये ज़रूरी है, पर तभी जब आपका सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब कि वो जो सीपीयू है उसका टीडीपी वैल्यू ज़्यादा है। TDP यानी कि आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, बहुत सारे केसेस में TDP 95 वाट होता है, 105 वाट होता है, 150 वाट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द CPU। अब यहाँ पे वो CPU जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उसका TDP रेटिंग भी उतना हाई होगा। अगर कोई एक CPU का TDP रेटिंग हाई है तो इसमें आपको थर्मल कंपाउंड को एक साल में एक बार या फिर दो साल में एक बार बदलना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो CPU है वो जल सकता है। अगर आपके पास ऐसा CPU है जिसका TDP वैल्यू काफ़ी कम है, जैसे कि 55 वाट, 65 वाट, तो इतना कम TDP वैल्यू के लिए आपको थर्मल पेस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार थर्मल पेस्ट लगाने के बाद, जो मैन्युफैक्चरर ने दिया है उसको यूज़ करने के बाद, मिनिमम वो थर्मल पेस्ट दो साल तक एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद भी वो वर्क कर सकता है, पर अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। पर अगर आपके पास एक ऐसा CPU है जिसका TDP वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 95 वाट, 105 वाट या फिर 150 वाट, तो आपको ज़रूर जो थर्मल पेस्ट है उसको एक साल में एक बार या फिर छः महीने में एक बार या फिर दो साल में एक बार, डिपेंडिंग अपॉन द आपके पास कौन सा CPU है, उसका TDP वैल्यू कितना है, उस थर्मल पेस्ट को बदलना ही पड़ेगा। अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया, यहाँ पे मैंने एक बार के लिए भी आपको नहीं कहा कि अगर थर्मल कंपाउंड ना हो तो जो CPU है वो वर्क नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। थर्मल कंपाउंड के बिना भी वो जो CPU है वो वर्क कर सकता है, पर उसमें जो हीट ट्रांसमिशन है वो थोड़ा सा स्लो होगा। जब CPU से जो हीट है वो जाएगा कूलर की तरफ, तो इसमें जो ट्रांसमिशन का टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेगा, तो इसीलिए जो CPU है वो थोड़ा सा गर्म देखने को मिलेगा। अगर आप थर्मल कंपाउंड अप्लाई करके उस कूलर को लगाते हो तो CPU एज कम्पेयर टू विदाउट थर्मल पेस्ट ज़्यादा ठंडा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि थर्मल पेस्ट किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और मार्केट में किस किस तरह की थर्मल पेस्ट मिलता है। थर्मल पेस्ट अप्लाई करने की अलग अलग तरीके हैं। बहुत सारे केसेस में एक ड्रॉप थर्मल पेस्ट दिया जाता है उस CPU के ऊपर,
छोटा सा एक ड्रॉप, बहुत सारे केसेस में उसको क्रॉस करके दिया जाता है। तो अलग अलग तरीके हैं। अब यहाँ पे दोनों ही प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है वो है एक्स। एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि थर्मल पेस्ट जब आप अप्लाई कर रहे हो तब बहुत ज़्यादा थर्मल पेस्ट अप्लाई मत कीजिए, वरना जो थर्मल पेस्ट है थर्मल पेस्ट की वजह से आपका सीपीयू प्रॉपरली ठंडा नहीं होगा। थर्मल पेस्ट अगर एक बहुत ही मोटा लेयर तैयार कर दे उस सीपीयू के ऊपर तो जो सीपीयू है वो अपना हीट को उस हीट सिंक की तरफ ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर ध्यान में रखिए। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में किस किस तरह के थर्मल पेस्ट मिलता है। नॉर्मली मार्केट में तीन तरह के थर्मल पेस्ट मिलता है, मेटालिक पेस्ट, सिरामिक पेस्ट और सिलिकॉन पेस्ट। अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है सिरामिक पेस्ट। मेटालिक पेस्ट भी काफ़ी पॉपुलर है पर इसमें कुछ प्रॉब्लम है जिनके बारे में मैं आपको अभी समझाता हूँ। मेटालिक पेस्ट जो है ये कॉन्डक्टिव होता है, इलेक्ट्रिकली कॉन्डक्टिव है, और यहाँ पे जो सिरामिक पेस्ट होता है ये इलेक्ट्रिकली कॉन्डक्टिव नहीं होता। पर जो मेटालिक पेस्ट है ये ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू सिरामिक पेस्ट ज़्यादा हीट कॉन्डक्टिव भी होगा। तो अगर आप मेटालिक पेस्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें बहुत ही ध्यान से अप्लाई करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी मेटालिक पेस्ट लीक कर जाए उस सीपीयू के डाई से और उसके ऊपर लगा हुआ जो हीट सिंक है उनके बीच से अगर थोड़ा सा भी मेटालिक पेस्ट लीक करके मदरबोर्ड के ऊपर आ जाए तो मदरबोर्ड गारंटी शॉर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को मेटालिक पेस्ट के साथ ध्यान रखना पड़ता है। पर सिरेमिक पेस्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सिरेमिक पेस्ट इलेक्ट्रिकली कॉन्डक्टिव नहीं है पर वो हीट कॉन्डक्टिव है, तो इसीलिए इसमें ये बेनिफिट मिल जाता है। पर सिरेमिक पेस्ट के कंपैरिजन में जो मेटालिक पेस्ट है वो हीट कॉन्डक्टिव भी ज़्यादा है। तो अगर आप अपने सीपीयू को बहुत ज़्यादा ओवरक्लॉक करने वाले हो तो इस कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेटालिक पेस्ट के साथ जाइए। जो मेटालिक पेस्ट है इसको बहुत बार लिक्विड मेटल पेस्ट भी बोला जाता है। जो लिक्विड मेटल बेस्ड पेस्ट है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इनमें रेयर मेटल एलॉयज़ को यूज़ किया जाता है जैसे कि गैलियम, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो सीधा सीधा मतलब है कि गैलियम जैसे मेटल्स को यूज़ किया जाता है लिक्विड मेटल बेस्ड थर्मल पेस्ट को बनाने में। तो इसीलिए इस तरह के जो पेस्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और ज़्यादातर केस में इस तरह का पेस्ट यूज़ किया जाता है गेमिंग कंसोल्स में, जैसे कि PS4 या फिर Xbox, इस तरह के जो कंसोल्स है यहाँ पे ज़्यादातर मेटालिक पेस्ट को यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो CPU होते हैं वो बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो बेटर कूलिंग और बेटर परफॉर्मेंस के लिए इसमें ज़्यादातर मेटालिक पेस्ट को यूज़ किया जाता है। पर हाँ, कंप्यूटर्स में भी यूज़ होता है, पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एंथुजियास्ट कैटेगरी में जो यूज़र्स आते हैं वही यूज़ करते हैं मेटालिक थर्मल पेस्ट। अगर आप एक कैजुअल यूज़र हो, अगर आप सिर्फ नॉर्मली गेमिंग करते हो और आपके कंप्यूटर में जो CPU लगा हुआ है वो ओवरक्लॉकेबल नहीं है पर एक हाई एंड CPU है जैसे कि i7, तो इस कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सिरामिक पेस्ट के साथ जाइए क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं सिलिकॉन पेस्ट के बारे में। सिलिकॉन पेस्ट को मैं कहूँगा आप इग्नोर कीजिए क्योंकि ये उतनी अच्छी तरीके से हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है। अगर आपके पास एक ऐसा CPU है जिसका TDP वैल्यू बहुत ही कम है तो इस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर कह लो अगर आपके पास बहुत ही पुराना कोई मशीन है उसमें जो CPU है वो भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बहुत ही कमज़ोर टाइप का CPU है, तो इस कंडीशन में आप सिरामिक पेस्ट या फिर मेटालिक पेस्ट को यूज़ मत कीजिए, आप यूज़ कीजिए सिलिकॉन पेस्ट क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सस्ता होता है। तो मेटालिक पेस्ट, सिलिकॉन पेस्ट, सिरामिक पेस्ट के अलावा भी कार्बन बेस्ड पेस्ट भी होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि कार्बन बेस्ड थर्मल पेस्ट भी आपको देखने को मिलता है जिसमें बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होने की वजह से इस तरह का थर्मल पेस्ट थोड़ा सा डेंजरस होता है हमारे मदरबोर्ड्स के लिए, चाहे मैं बात करूँ कंसोल्स की, चाहे मैं बात करूँ गेमिंग PCs की या फिर नॉर्मल PCs की। अगर हम कॉस्ट वाइज कंपेयर करें लिक्विड मेटल बेस्ड थर्मल पेस्ट के साथ तो ये लिक्विड मेटल की तरह उतना महंगा नहीं होता पर परफॉर्मेंस और लॉन्गजीविटी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। जो सिरेमिक पेस्ट है इसका प्राइस ऑन एन एवरेज रहता है पर जो मेटालिक पेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो सिरेमिक पेस्ट है वो ज़्यादा पॉपुलर है, हर तरह के यूज़र्स सिरेमिक पेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर मेटालिक पेस्ट को वही लोग यूज़ करते हैं जो एंथुजियास्ट है, जिनको अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से थर्मल पेस्ट अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से थर्मल पेस्ट अप्लाई करें तो वो लीक नहीं करेगा, सिर्फ वही लोग मेटालिक पेस्ट को प्रेफर करते हैं। इतना ज्ञान सुनने के बाद आपको शायद ये लग रहा होगा कि बहुत सारे थर्मल पेस्ट तो अवेलेबल है तो इनमें से कौन सा अच्छा है।
जो जो थर्मल पेस्ट अच्छा है उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप अगर चाहो तो चेक कर सकते हो। मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन जाएगा वो जाएगा कूलर मास्टर के साथ। कूलर मास्टर का थर्मल पेस्ट थोड़ा सा महंगा होता है पर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल भी होता है और उसका लाइफ भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल थर्मल पेस्ट। मैंने अभी अभी जो थर्मल पेस्ट अप्लाई किया है वो ऑलमोस्ट एक साल हो गए हैं पर अभी तक थर्मल पेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मेरा जो कंप्यूटर का टेम्परेचर है वो अभी भी राइज नहीं कर रहा है तो मुझे लगता है थर्मल पेस्ट अभी भी ठीक है। तो थर्मल पेस्ट आपको मिनिमम 2 साल में एक बार तो चेंज करना ही चाहिए। अगर आप अपने कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर गर्म होता है और आपके कंप्यूटर में एक ऐसा CPU लगा हुआ है जिसका TDP वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो इस कंडीशन में मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप 6 महीने में एक बार थर्मल पेस्ट को ज़रूर बदलें। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूँगा। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे ही होगा कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।